हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं मेरे प्लांट जो मैंने शॉपिंग में दिखाए थे आपको, शॉपिंग वाली वीडियो में, तो उन्हीं को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो लगभग सभी प्लांट्स के लिए एक जैसी मिट्टी बनेगी। तो मैंने आपको ये एक गमले का मेजरमेंट दिखा रही हूँ। तो 60% ये मिट्टी ली है मैंने, और 20% ये वर्मी कंपोस्ट, ये सैंड ली है मैंने, और ये थोड़ा सा एक मुट्ठी स्टोन डस्ट, जो हमारे प्लांट को जो हमारे प्लांट को कैल्शियम का एक सोर्स है, हमारे प्लांट्स के लिए कैल्शियम का काम करेगा। और उसी में मैंने लिया एक ये मुट्ठी नीम खली, ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा फंजीसाइड, और थोड़ा सा बोवस्टिन फंजीसाइड, जो हमारी प्लांट्स के रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और थोड़ा सा लिया ये मैंने हल्दी पाउडर, ये भी हमारे प्लांट के लिए कुछ जैसे फंगस वगैरह लगने में लगती है, तो उसमें हेल्प करेगा कि फंगस वगैरह ना लगे। ये फंजीसाइड साफ का, और ये हल्दी जो ऑर्गेनिक होती है। तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए ताकि हमारे प्लांट के पॉट में पानी होल्ड ना हो और प्लांट अच्छे से डेवलप करे। अगर पानी ठहरे तो हमारे प्लांट की रूट हमारे प्लांट गल सकता है और रूट रॉट का शिकार हो सकता है और प्लांट खराब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और भी मैं प्लांट लगाऊंगी, और भी प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी, पर वो उनकी मैं बना के रखी हुई है। तो मैंने आपको एक गमले की मिट्टी तैयार करके दिखाई है, इसी तरह से और भी मिट्टी मैंने तैयार करी है। और ये सैंड जो है दोस्तों, हमारे प्लांट मिट्टी को भुरभुरी और वेल ड्रेन बनाता है, और सॉफ्ट भी बनाता है मिट्टी को, ताकि प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप हो सके। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो बजरी जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ये सैंड भी कंस्ट्रक्शन में ही काम आता है। अगर बजरी है आपके पास तो वो और भी अच्छी होती है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलती, तो मैं ये सैंड का यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका पॉट, मैं ये प्लांट लगाने वाली हूँ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ड्रेसिना की एक वैरायटी है ये दोस्तों। मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, और शेड लविंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ये कटिंग से भी इजीली तैयार हो जाता है, और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये इंडोर के लिए, जो हमारे पास सालों साल बने रहते हैं, एक बार हमारे गार्डन में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसका पॉट, ये 8 इंच का पॉट है, अभी ये छोटा प्लांट है तो मैं छोटे ही पॉट में लगाऊंगी इसको। तो इसमें मैंने ये देखिए थर्माकोल डाला हुआ है नीचे, जो हमारे प्लांट को खिलाएगा, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस पे जब रखी होती है तो जैसे मई जून की गर्मी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हमारे प्लांट के रूट्स को हीट से बचाएगा और ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ये सैंड डाल दिया है ताकि वो एक जगह सेट हो जाए। तो हम डालेंगे हमारी मिट्टी थोड़ी सी,
देखिए दोस्तों, हम इस तरह से तो एक कट्टे के एक बैग में लगा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे धीरे धीरे करके आराम से। इस तरह से कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ऐसे पुश करेंगे नीचे से थोड़ा थोड़ा, तो ये अपने आप से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, हमें खींचना नहीं है प्लांट को, ये देखिए इस तरह से। अगर इसकी सॉफ्ट सॉइल होती तो ये आसानी से बाहर आ जाता है, लेकिन इसकी चिकनी मिट्टी है ये। ये देखिए, और देखिए दोस्तों हम इसको रिमूव करेंगे थोड़ा। मैंने इसको 3-4 घंटे से पानी में रखा हुआ था, तो इसको हम पहले रिमूव करते हैं, वो भी मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे इस प्लांट को मैं पानी में डाल दूंगी थोड़ी देर, पहले भी मैंने 1-2 घंटे से डाला हुआ था। तो ऐसे करके हम थोड़ा ऐसे डेप्थ थोड़ा थोड़ा, देखिए इसके रूट्स बाहर आने लग गए हैं, और हल्के हल्के हाथ से हम मिट्टी को निकालेंगे। तो ये मिट्टी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारा प्लांट 2-3 महीने में ही ख़राब हो जाएगा। 2-3 महीने तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ख़राब हो जाएगा। देखिए इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी डेवलप हो रखी है। अभी सितंबर चल रहा है, इसमें आप इंडोर प्लांट्स अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी परमानेंट प्लांट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारी मिट्टी निकल चुकी है। देखिए सारी मिट्टी इसके निकल चुकी है, और कितना अच्छे से रूट बनी हुई है इसकी। तो हम इसको इसी तरह से सेट कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आसानी से प्लांट को बिल्कुल बीच में पॉट के बीच में पकड़ के ही रखना है अच्छे से, और इसको इस तरह से हम थोड़ा डर्प करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। अगर हम ज़मीन में पौधा लगाएं तो कोई कैसी भी मिट्टी में चल जाता है प्लांट, लेकिन हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट हमारे पॉट में ही लगते हैं, तो हमें वेल ड्रेन सोइल तैयार करना ज़रूरी है। ये देखिए मेरा प्लांट लग के तैयार हो गया। तो दोस्तों आप जब भी ऐसा कोई काम करें मिट्टी का गार्डनिंग में, तो ये ग्लव्स पहन के ही करें, हमारे हाथ इसमें सेफ रहते हैं, और कोई फंगस वगैरह का डर नहीं होता हाथों में भी। तो हम अब इसमें पानी देंगे अच्छे से, और इसको 3 से 4 दिन हम सेमी शेड में रखेंगे, बिल्कुल शेड में ही रखेंगे, फिर 1-2 घंटे की धूप दिखाएंगे सुबह की। अभी मैं पानी देती हूँ इसमें। तो ये देखिए अभी ये थोड़ी देर में पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और ये गमले से ड्रेन आउट होना चाहिए, तभी हम पता चलेगा कि वेल ड्रेन मिट्टी है। और ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही निकले, पौधे को पानी इतना ही देना चाहिए जो पॉट में ही रह जाए, बाहर भी ना निकले, और रूट्स को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, तो हमारे पानी की भी बचत होगी। ये देखिए सारा पानी
चला गया। तो इससे पता चलता कि हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनी है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।